वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। महादेवी वर्मा ने गिलहरी के बच्चे का ऑपरेशन किया। रुई से खून पोंछा और घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटों के उपचार के बाद गिलहरी के मुंह में टपका दिया एक बूंद पानी। तीसरे दिन वो इतना सही हो गया था कि लेखिका की उंगली अपने दो पंजों के बीच में पकड़ लेता और फिर अपनी आंखों से इधर उधर देखता। 3-4 महीने में ही उसने सबको हैरान कर दिया था। फिर उसे जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बना दिया गया। सर, इसका क्या मतलब है? अरे सीधी बात है बिल्लू, उसका नाम रख दिया गया गिल्लू। लेखिका ने एक टोकरी में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर टांग दिया और अब यही गिल्लू का घर बन गया था। वो अपने घर को हिला हिलाकर झूलता रहता और अपनी कांच सी आंखों से खिड़की के बाहर पता नहीं कौन सी गिलहरी को देखता रहता। जब भी लेखिका कुछ लिखने बैठती तब गिल्लू को तीव्र इच्छा होती कि वो लेखिका का ध्यान आकर्षित करे। और उसके पास इसका एक सॉल्यूशन भी था। वो एक पर्दे पर सर से चढ़ जाता और उसी तेजी से नीचे भी उतर जाता। और ये नशेड़ीपना वो तब तक करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए खड़ी नहीं होती। कभी कभी महादेवी गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके आगे के दो पंजे और सर के अलावा सारा शरीर लिफाफे के अंदर बंद रहता। इस फैंसी ड्रेस में वो कभी कभी घंटों टेबल पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से लेखिका को काम करते देखता रहता। भूख लगने पर वो चिकचक चिकचक करके लेखिका को सूचना दे देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर वो उसी स्थिति में उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया। नीम चमेली की खुशबू लेखिका के कमरे में हौले हौले से आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर न जाने गिल्लू को क्या कहती। खैर जो भी कहती, पर एक बात तो है, अपना गिल्लू तो स्टड निकला। गिल्लू को जाली के पास बैठकर बाहर जागते देखकर लेखिका को लगा कि अब उसे फ्री कर देना चाहिए। लेखिका ने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर आने पर सचमुच एक आजादी की सांस ली। पर इतने छोटे जीव को घर में पालतू कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। मतलब महादेवी का घर घर नहीं, चिड़ियाघर था जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। तो इस चिड़ियाघर की बाकी की कहानी हम पूरी करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक तुम पॉपकॉर्न लेके आओ और मैं जाता हूं इस मार्कर की इंक बदलने।